गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। इस क्लास में हम लेसन नंबर 25 स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगे। स्टेट फंक्शनरीज, द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। सो गवर्नर कौन होता है? हर स्टेट का गवर्नर होता है। ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। गवर्नर को एक स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट समटाइम्स वो एक स्टेट से ज्यादा का भी हेड हो सकता है। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। ये 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट इसको 5 ईयर्स पहले हटा भी सकता है और इसका टाइम 5 ईयर्स से ज़्यादा मींस बढ़ा भी सकता है। अब गवर्नर की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, गवर्नर की क्या पात्रता होती है? वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए, वो ना ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, उसके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए गवर्नर स्टेट के बाहर का होना चाहिए। अब गवर्नर के फंक्शंस एंड पावर्स क्या होती हैं? गवर्नर की फंक्शंस एंड पावर्स प्रेसिडेंट के फंक्शन एंड पावर्स के सिमिलर होती हैं, बट इसकी स्टेट लेवल पर होती हैं। अब इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, गवर्नर के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। सभी स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ये चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के जजेस से बिलो सभी ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। अब इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होती हैं? स्टेट के जनरल इलेक्शन के बाद पहले सत्र की शुरुआत गवर्नर के संबोधन से होती है। स्टेट लेजिस्लेटर के सभी बिल्स गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही लॉ बनते हैं। अब इसके पास फाइनेंशियल पावर्स कौन सी होती हैं? कोई भी मनी बिल बिना गवर्नर की सिफारिश और स्वीकृति के विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इसके अलावा गवर्नर के पास ज्यूडिशियल एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। चीफ मिनिस्टर ही स्टेट का एक्चुअल हेड होता है। इसके पास प्राइम मिनिस्टर के सिमिलर फंक्शंस होते हैं। असेंबली इलेक्शन के बाद पार्टी का लीडर मींस जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसको गवर्नर इनवाइट करता है। गवर्नमेंट बनाने के लिए ये अदर पार्टीज अपोजिशन बनाती हैं। कोलिशन लीडर ही एज आ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। गवर्नर उसे अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन गवर्नर करता है, उसको ओथ शपथ दिलाकर कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से सुचारू रूप से कामकाज करेगा। अब चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इन्फॉर्म करता है जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन से रिलेटेड। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स के और फंक्शंस होते हैं, वो हैं प्रेसिडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, और मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उन पोर्टफोलियोज का रिटेन चार्ज रखता है जो किसी मिनिस्टर के अंडर नहीं होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गुड रिलेशन रखता है, स्टेट की गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हो जाता है तो एंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? स्टेट की विधानसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर चूज करता है इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स में से। मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं स्टेट लेवल पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जिसके पास सभी पोर्टफोलियोज का चार्ज होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज स्मॉल एरियाज होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट एडमिनिस्टर्ड प्रशासित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ल्यूटनेंट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है जो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के अंडर एक्ट करता है।
सो चिल्ड्रंस, अब आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी है। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन करनी है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग के बाद आंसर इन वन वर्ड करने हैं। आंसर इन वन वर्ड के बाद आंसर इन ब्रीफ करने हैं। सो चिल्ड्रंस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप इस चैप्टर को पूरा लर्न करेंगे। ओके।